एक नई पर्सनालिटी के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और आज होंगे हमारे साथ एक ऐसे इंसान जो बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हैं और उनकी अपनी एक अलग पहचान है। कौन है ये? बस मैं उनसे जुड़ती हूँ और उन्हीं से पूछती हूँ कि ये कहाँ से हैं, कौन है। सृजन फाउंडेशन से हैं ये। हेलो, मैंने आपको इनवाइट भेजा है। यस, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार। या तो ये है अमित सक्सेना और अमित के बारे में जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैंने आज पोस्ट भी किया था पैडमैन ऑफ लखनऊ नॉर्थ इंडिया। तो अमित, ये जो क्या है आपके पीछे की जो कहानी है और जो आपको स्पेशल बनाती है? ये है कि 2015 में मई में पापा का ऑपरेशन होना था और पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में और खाली टाइम रहता था हमारे पास क्योंकि और दिन भर कहीं जा सकते नहीं थे, पापा के साथ रहना है तो बस लैपटॉप पे इधर उधर चीजें सर्च करते रहते थे। तो ये बात रही करीब 15-16 मई के आसपास की, तो 2015 में तो हाँ। उसमें दिखाई दिया कि मिनिस्टर हाइजीन डे ऐसी कोई चीज है जो कि 28 मई को मनाई जाती है और 2014 से शुरू हुई है। तो फिर उसको पूरा सर्च किया, पढ़ा, तो ये लगा कि नहीं, इस पे यदि काम किया जाए तो बहुत जरूरी चीज है और इस पे काम करना अच्छा रहेगा। वाइफ से बात करनी थी लेकिन वही जो टैबू एक चला आ रहा है, अपनी वाइफ से ही बात करने में, जबकि वो डेली पापा के लिए खाना लेकर रात में आती थी और 2 दिन हमको लग गए उनसे ही बात करने में कि इनसे कैसे बात करें कि इस टॉपिक पर हम काम करना चाहते हैं। और फाइनली 2 दिन बाद उनसे बात की हिम्मत करके कि ऐसे ऐसे इस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं तो वो तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छी चीज है और इस पर तो काम हुआ भी नहीं है, बहुत ही कम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने कहा फिर इसमें ऐसा करो कि कुछ ऐसा स्टार्टिंग करते हैं कि कुछ सैनिटरी पैड्स बांटते हैं और अपने घर पे जो काम वाली आती है उससे बात करके देखो, वो अपने कॉलोनी में बटवा दे और कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगले दिन जब वो आई खाना देने, बोले कि हमने उससे बात की थी और उसने तो साफ मना कर दिया कि कुछ और बांटना हो आ जाना, ये बांटने के लिए हमारे मोहल्ले में बताना। अच्छा। तो हमने कहा यार ये तो शुरुआत ही जो है बिल्कुल निगेटिव से हो गई, पहले ही कैंडिडेट उसने ही मना कर दिया कि इस चीज के लिए आपको नहीं आने देंगे अपने यहाँ। हमने कहा चलिए कोई नहीं, इंतजार करते हैं। फिर हम लोगों ने पहले इसका सोचा कि एक नाम डिसाइड किया जाए, तो फिर ये हुआ कि नाम कुछ ऐसा पॉजिटिव वाला रहे, तो हम लोगों ने इसको नाम रखा हिम्मत अभियान, कि लड़कियों के अंदर हम लोगों को इस बात की हिम्मत लानी है कि ये कोई एक टैबू वाला विषय नहीं है, इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए और केवल लड़कियों का विषय ना होकर ये एक ऐसा विषय है जो कि ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है, मानवता, क्योंकि हर घर में लड़की या महिला मौजूद है, हर घर में लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन एक ऐसी दीवार बना रखी है बीच में कि कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है। उस वजह से बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं कि लड़कियां बात शेयर नहीं कर पाती हैं, बता नहीं पाती हैं और अकेले में फिर उनकी बीमारी यदि कोई है तो बढ़ती चली जाती है। तो वही चीज थी कि उनके अंदर इस बात की हिम्मत लानी है। इसी बीच में पापा को देखने के लिए सुनीता बंसल जी आई जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में मेंबर हैं। अच्छा। और हम लोग की बहुत पुरानी परिचित हैं, तब वो मेंबर नहीं हुआ करती थी, बीजेपी की कार्यकर्ता थी और वो पापा को देखने आई। उनसे जब हमने इस चीज को डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी और अपने मेरे वहां पे मानस एंक्लेव में बहुत सारे स्लम्स के लोग हैं, मैं उनके में आपका डिस्ट्रीब्यूशन करा दूंगी। तब एक हिम्मत आई कि चलिए काम, मतलब कि हिम्मत नाम रखा था उनके अंदर भी हिम्मत आई इस चीज की। और 28 मई को फाइनली हम लोग गए, हम थे, हमारी वाइफ थी, एक फ्रेंड्स थी साथ में और सुनीता मैम गई साथ में, वहां पर महिलाओं को इकट्ठा किया और वही चीज वहां देखने को मिली। लड़कियों को बुलाया कि एक खाली जगह थी कि वहां पर आ जाओ, 5-6 लड़कियों को हम लोग बुला के लाए, वहां पे वो इकट्ठी हो गई। जब उनको हम लोग ने बताया कि आज हम लोग इस चीज के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पर पैड्स देंगे आप लोगों को, थोड़ा सा समझाएंगे, तो उसमें से 2-3 लड़कियां ये बोल के कि सर ठीक है अभी हम और लोगों को बुला लाते हैं, कह के वो गई और खुद भी वापस नहीं आई। तो उनका ये था कि यहां से भागने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये कह दो कि हम और लोगों को लेके आ रहे हैं। और करीब महिलाएं इकट्ठा करने में हम लोगों को एक घंटा लग गया, क्योंकि 2015 में बिल्कुल एक नई सी, नई कह सकते हैं कि बहुत ही लगी एक चीज थी कि लोग इतना चर्चा उस पर करते नहीं थे। एक घंटे में हम लोग के पास वो 20 महिलाएं इकट्ठी हुई, हम लोगों ने उनको सैनिटरी पैड्स दिए, उनको समझाया और फिर उनकी एक चीज हम लोग को बहुत समझ में आई, बोले सर कि यहाँ पर लोग इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि एनजीओ की इमेज ऐसी है कि वो लोग केवल एक बार आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उसका दोबारा आते नहीं है। तो हमने कहा नहीं, ये हमारा वादा है कि आपको हर महीने हम लोग आया करेंगे, हर महीने ये चीज प्रोवाइड कराएंगे और इसमें कहीं भी कोई वो चीज नहीं आएगी। घर पे आ गए,
लेकिन अब ये था कि इसको एफबी पर पोस्ट करें या ना करें, क्योंकि एक अच्छा बड़ा नया इनिशिएटिव था। क्या रिस्पॉन्स आएगा, लोग इसको कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे। करीब 20 दिन लोगों को धीरे धीरे, जो जन पहचान वाले लोगों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे शुरू किया है, तो कुछ तो बहुत अच्छे खास दोस्त थे, उन्होंने कहा अरे यार और कोई दुनिया में काम ही नहीं मिला करने के लिए, तो लगा कि यार बताओ साथ वाले जब ऐसे कह रहे हैं तो जब एफबी पर डालेंगे तब क्या होगा। लेकिन फाइनली 18 जून 2015 को इसको एफबी पर डाला। बड़ा 20 दिन तो यही सोचने में निकल गया कि डालें कि ना डालें, क्या रहेगा रिस्पॉन्स। लेकिन जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया, और अप्रिसिएट करने वाले में 80% महिलाएं थी। और उनका यही कहना था कि जिस बारे में हम लोग केवल सोच सकते थे आपने वो चीज कर दी, कि एक महिलाओं के दर्द को समझा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे साथ है अमित सक्सेना लखनऊ से, जो कि लखनऊ के पैडमैन माने जाते हैं। हाँ हाँ अमित, अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, फिर से बताइए अपनी बात, क्या कह रहे थे आप? तो वहां पर जब महिलाओं ने उस चीज पे रिस्पॉन्स दिया, और उन्होंने ये कहा, बल्कि कुछ महिलाओं ने तो इतना अच्छा कमेंट लिखा, उनके कमेंट ये था कि स्त्री जाति के लिए किया गया सबसे अच्छा कार्य है ये आज तक का, तो दिल को सुकून मिला कि नहीं शायद सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और फिर हम लोग ने रेगुलर वहां पे जाना शुरू कर दिया। स्लम में 30 महिलाओं से संख्या हम लोग की वहां पे 64 महिलाओं तक पहुंच गई, उनको हम लोग ने हर महीने सैनिटरी पैड्स पहुंचाए, तो ये जो और फिर सैनिटरी धीरे पैड धीरे वो का सिलसिला है, अभी भी चल रहा है आपका? बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि ये लगा कि अब केवल एक स्लम में सैनिटरी पैड्स देने से काम नहीं चलेगा, फिर इसकी हमने वर्कशॉप लेनी शुरू की। और इस पूरी अच्छा उसमें जो मेन इसका एक पॉइंट था वो ये था कि वर्कशॉप हम खुद लेते थे जाके। तो शुरुआत में कई जगह पर दिक्कतें भी आई, कि जब कहीं स्कूल में कहीं जाते थे तो वो यही पूछते थे लोग कि सर आपके साथ कोई लेडी डॉक्टर आएंगी या कोई लेडी स्टाफ आएगा, बताते थे नहीं वर्कशॉप हम ही लेंगे। तो उनको बड़ा एक आश्चर्य होता था, लेकिन परमिशन वो लोग दे देते थे और कारवा चलता रहा। मैं आप लोगों का जो मीडिया वर्ग है, हमारे अच्छे मित्र, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, न्यूज वो निकालता निकालते रहे इन सब चीजों की। जैसे ही 2017 में पैडमैन फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, वहां से एक टर्निंग पॉइंट आया इस पूरे प्रोजेक्ट में। जैसे ही आया कि पैडमैन फिल्म लॉन्च होगी और अक्षय कुमार जी पैडमैन फिल्म के बारे में उन्होंने बताया, तब लखनऊ में लोगों को लगा कि यार एक तो हमारे बीच में है जो कि 2015 से कर रहा है, फिल्म तो 2017 में अनाउंस हुई है। तब एनबीटी में सबसे पहले एक बहुत बड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखाया, जो आपने आज अपने उस पर लगाया है, लखनऊ के पैडमैन, और वो 2017 का ही पेपर है। उसमें उन्होंने यही लिखा कि हम लोग के पास तो 2015 से एक व्यक्ति है जो कि इस पर काम भी कर रहा है और लगातार सैनिटरी पैड्स बांट रहा है। और उसमें जो ऊपर फोटो लगी हुई है उसमें स्मिता बंसल मैम भी दिख रही है, जो कि इस पर महिला आयोग में मेंबर हैं, उनकी फोटो भी उसी पेपर में 2017 में लगी हुई है। अच्छा तब से फिर वो कारवां स्पीड से बढ़ना शुरू हुआ, लोगों की नजरों में ज्यादा वो चीजें आई, और अब तो स्थिति यह है कि गांव से लेके शहर और नेपालगंज तक की बात कर सकते हैं कि मतलब कि है जरूर वो बॉर्डर पे, लेकिन कम से कम विदेश तक वो चीजें पहुंच गई। नेपालगंज में भी जाके वर्कशॉप करे आए हैं, और अभी तक लगभग 50,000 लड़कियों के साथ। तो वर्कशॉप में आप क्या बताते हैं कि हाइजीन कैसे रखना है, क्या बताते हैं उनको? जैसे होता क्या है कि जब हम लोग कहीं स्कूल में कांटेक्ट करते हैं तो उनका एक सीधा सा सवाल होता है कि सर आपको तो बस 15-20 मिनट चाहिए होंगे, वो सैनिटरी पैड्स बांटने होंगे। तो हम कहते हैं नहीं, हमारा उद्देश्य बांटना नहीं है, लड़कियां खरीद ही रही हैं और जो नहीं खरीद रही हैं वो कहीं ना कहीं से अपना यूज कर रहे हैं, हमारा मेन मोटो है उनको अवेयर करना। तो हमको बांटने के लिए तो 15-20 मिनट ही चाहिए, लेकिन उनको समझाने के लिए हमको 1 घंटा पहले चाहिए। तो करीब करीब 1 से लेके 1.25 घंटे का हम टाइम लेते हैं किसी भी स्कूल में, और उसमें उनको पूरा बेसिक से कि पीरियड्स की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में, पीरियड्स यदि नहीं आ रहे हैं तो पीरियड से रिलेटेड समस्याएं, दोनों प्रकार की समस्याएं, फिजिकल, और फिजिकल में सबसे ज्यादा जो पेट दर्द की है और जितनी भी आपकी फिजिकल हैं समस्याएं, उनका आपको निवारण कैसे करना है, दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है, लेनी है तो कौन सी लेनी है, दवाई कब लेनी है, वो सारी चीजें, प्लस सामाजिक समस्याएं कि मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है, अचार नहीं खाना है, तो वो सारे टैबूज के वो नियम क्यों बनाए गए, वो सारी चीजें उनको समझाई जाती हैं कि वो नियम बनाने के पीछे कुछ कारण थे, तब की परिस्थितियां में और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है, वो पूरा समझाया जाता है। उनको पीरियड चार्ट बनाना सिखाया जाता है कि पीरियड चार्ट अपना बनाइए, कि 28 दिन के पीरियड्स होते हैं, तो अगर वो आपके 25, 28, 30, 32 तक जा रहे हैं चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वो लगातार आपके 20 दिन पर हो रहे हैं, 15 दिन पर हो रहे हैं, हम लोग के पास एक लड़की है जिसके 15-15 दिन पर पीरियड्स होते हैं, तो ये चीजें जब हम लोग वहां जाते हैं तब समझ में आती हैं चीजें, हम उनको बताते हैं,
तब लड़कियां बताती हैं कि सर हमको तो 15 15 दिन पे ही पीरियड्स होते हैं। ऐसे केसेस भी स्टार्टिंग में ना हो समझ में आती है, लेकिन यदि 22 23 24 साल पर लड़की है और उसके 3 3 महीने पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उनको हम पूरा एक जो ये पीरियड का है। प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, ये शहरों में भी पाई गई कि गांव में अलग तरह की प्रॉब्लम थी और शहरों में अलग तरह की प्रॉब्लम थी लड़कियों के साथ? इससे में हम ये कहेंगे कि हमको लगा कि गांव की लड़कियां ज्यादा अवेयर हैं, अच्छा अवेयर इन द सेंस, अवेयर इन द सेंस कि जब वहां पर हम लोग बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे बीच में कोई आया है, तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा इनसे नॉलेज ले लें और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लें। शहर की लड़कियां शर्म या उनके अंदर एक अपना ये है कि नहीं हम तो सब कुछ जानते हैं, तो वो अच्छा चीजें ना शेयर करना चाहती हैं। और दूसरा हमको लगा कि जो हमारा अपना व्यू है इतने दिनों में 5 6 साल का वो उसमें करने में, कि शहर में इस चीज को लेकर शर्म बढ़ती जा रही है। ओके अभी तक महिला जब दुकान पर पैड लेने जाती थी तो कम से कम एक बार वो पैड शब्द महीने में यूज करती थी। जब से मॉल्स वाली संस्कृति आ गई है अब वो पैड शब्द उसके मुंह से निकलना ही बंद हो गया है। वो मॉल में जाती है, उसने पैड अपना उसमें रखा, उसका बिलिंग हो गई, उसने वो पैड शब्द बोला ही नहीं। ओके तो इस मामले में लड़कियां गांव की ज्यादा अवेयर हैं, वो ज्यादा खुलकर बात करती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए फिर हम लोग वहां पे फर्स्ट पीरियड स्टोरी करवाते हैं उनसे कि अपने अच्छा फर्स्ट पीरियड की स्टोरी शेयर कीजिए। तो अरे आप समझिए कि लड़की में 1 घंटे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है हमारे प्रति कि नहीं सर आए हैं, कि वहां पर फिर लाइन रहती है सर हमको बताना है, सर हमको बताना है। और 2 लड़कियां 4 लड़कियां 5 लड़कियां अपनी फर्स्ट स्टोरी शेयर करती हैं कि सर हम तो शादी में गए हुए थे, सर हम तो स्कूल गए हुए थे, हमारे टीचर ने हमको घर भगा दिया, कुछ कहा भी नहीं, बस तुम घर जाओ। हम उनसे पूछ भी रहे हैं मैम हम क्या हुआ, बोले नहीं, तुम बस घर जाओ करके हमको घर भगा दिया गया। तो ऐसी ऐसी भी लड़कियां अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो हमने देखा कि गाँव में लड़कियां ज्यादा बात करना चाहती हैं। अच्छा फिर उनको सारी चीजें यही कि पीरियड्स की इंपॉर्टेंस, टैबूज, कपड़ा यूज नहीं करना, या कपड़ा यूज यदि कर भी रहे हैं इमरजेंसी केसेस में तो कपड़ा कैसे यूज करें, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में अच्छे अच्छे घरों में कपड़ा यूज करना पड़ जाता है। तो इसको हम लोग बुरा भी नहीं मानते, तो उनको हम लोग यही समझाते हैं कि 100% पैड यूजर बहुत ही कम लोग मिल पाते हैं, शहर में तो मिल जाएंगे लेकिन गाँव में हम यदि बात करें 100% पैड यूजर नहीं है, कभी ना कभी लड़की ने कपड़ा यूज किया है। तो उनको फिर 2 3 हम लोग 3 केसेस ऐसे बताते हैं कि कपड़ा यूज करने से लड़की मतलब की महिला को की डेथ तक हो गई, कि उसने एक बार एक ब्लाउज यूज किया, उस ब्लाउज में जो हुक होता है उसमें जंग लगी हुई थी और उस जंग से उसको सेप्टिक हो गया और सेप्टिक की वजह से उस महिला की डेथ हो गई। तो कपड़ा यदि आप यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर सूखा हुआ हो, तो उनको ये प्रेशराइज नहीं करते हैं कि नहीं आपको पैड यूज करना है, आप जो भी यूज करें बस वो हाइजीनिक हो। तो इन सब चीजों में पूरा 1 से सवा घंटा लग जाता है, लेकिन उस 1 सवा घंटे में माहौल इतना खुशनुमा हो जाता है कि जिस टॉपिक पर लड़की ने बात की नहीं होती थी उस टॉपिक पर वो इतना खुलकर बात कर रही होती है कि वहां पर हमको फर्स्ट पीरियड स्टोरी और फिर वो कोड वर्ड्स निकल कर आते हैं। ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स निकल कर आते हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग, और फिर अच्छा वो लड़कियां वहां पर शेयर करती हैं कि सर हम लोग तो ऐसा कोड वर्ड बोलती हैं, ये कोड वर्ड बोलते हैं। तो बहुत मतलब कि एक अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं पिछले 6 साल के, कि इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हम लोगों को लग पाई हैं। और लड़कियों से हम यही कहते हैं कि बेटा ये एक ऐसे टॉपिक पर हम बोल रहे हैं जिसका भी हमको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और जिंदगी में कभी होगा भी नहीं। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं तुम लोगों ने ही हमको सिखाया है, तो जितना ज्यादा तुम लोग चीजें शेयर करोगे उतनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी, जितना तुम लोग नई चीजें बताओगे। जब जैसे लड़कियों ने कि सर उल्ट जैसे है ना जनरली क्या है केवल पेट दर्द, अब वो पेट दर्द भी होता है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, सिर दर्द है, चक्कर आता है, बुखार आता है, इतनी चीजें सिम्टम्स कभी कहीं मिलते हैं कभी कहीं नहीं मिलते हैं, कोई कैसी दवाई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक जगह हम लोग गए तो पता चला कि पीरियड्स में सास ससुर के पैर नहीं छूने दिए जाते हैं। तो अच्छा उसके पीछे जो थीम थी कि पति परमेश्वर होता है, ठीक है, और भगवान की पूजा करनी नहीं है पीरियड्स में, और जब पति परमेश्वर है तो उसके माता पिता तो और बड़े परमेश्वर हो गए, परमेश्वर के माता पिता हैं वो, तो जब भगवान के पैर नहीं छू सकते हैं तो माता पिता के सास ससुर के भी पैर नहीं छूने हैं। अच्छा
तो ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं कि गांव में इतनी ज्यादा चीजें हैं कि सास ससुर के भी पैर नहीं छूने हैं, गाय को रोटी नहीं देनी है क्योंकि गाय की पूजा की जाती है, पीरियड्स के दौर में गाय को भी अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाएंगे। तो अच्छा बहुत सी नई चीजें निकल कर आती हैं, तो एक लंबी जर्नी है। कभी आपने उनको ये बताया कि साउथ में या उड़ीसा में के कुछ भागों में फर्स्ट पीरियड पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जो कि नॉर्थ इंडिया में मुझे लगता है हाँ ऐसा कुछ भी बिल्कुल, नहीं है। हाँ उनको ये भी बताया, फिर हम लोग उनको यही बताते हैं कि अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो तो उसके पीछे दो ही कारण दिए जाते हैं लड़कियों को। या तो होता है कि लड़की गंदी होती है, अशुद्ध खून निकल रहा है, लड़की गंदी है, जो मम्मियाँ या नानियाँ या जो घर में जो भी उनको बताती हैं, दो ही कारण देती हैं। दूसरा कारण जो देती है कि भगवान नाराज हो जाएगा। तो उन दोनों ही चीजों के उनको काट बताते हैं कि भगवान नाराज हो जाएगा, यदि भगवान को नाराज होना होता तो तुमको लड़की बनाता ही नहीं, पर तुमको लड़का बना देता, सही टिकट जैसी चीज तुमको नहीं देता। भगवान को नाराज होना होता तो हम लोग क्या कामाख्या देवी की पूजा नहीं की जा रही होती, कि यदि भगवान को नाराज होना है तो हम लोग कामाख्या देवी की पूजा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट चला रहा है कि भगवान नाराज हो जाएगा। ठीक है, फिर उनको यही सारी चीजें बताई जाती हैं कि साउथ में तो फर्स्ट पीरियड में पूजा होती है, अगर हम कामाख्या देवी की पूजा कर रहे हैं तो, और भगवान ने एक बच्चा जन्म करने की क्षमता आपको दी है, तो एक ऐसी चीज दी है जो कि पुरुषों से आपको बिल्कुल अलग बनाती है, तो भगवान ने कुछ खुश होकर ही आपको दी है, तो जब बिल्कुल भगवान ने वो खुश होकर आपको दी है तो वो आपसे नाराज क्यों होंगे। दूसरा, अधिकांश यदि हम लोग भगवान देखें तो सब देवियां ही हैं, अपने भगवानों की यदि संख्या में देखें तो देवियां ज्यादा हैं। जब देवियां ज्यादा हैं एक महिला के रूप में, वो भी उसी सब दौर से गुजरती हैं, तो एक माँ अपनी बेटी से खुद नाराज कैसे हो सकती है। तो उनके सारी चीजें समझ में आती हैं। और खुशी कब होती है कि अभी हमने एक वर्कशॉप ली अभी 2020 में, तो वहां पर जब हम लोग जनरल हम जब लेते हैं तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा बताओ कितने लोग हैं जो पीरियड्स में पूजा करते हैं, तो उसमें से तीन लड़कियों ने हाथ उठाया। और जब उनमें से उनसे पूछा कि आप लोग के ऐसा दिमाग में क्या है कि आपको पूजा करनी चाहिए, तो उसमें से एक ने तो यही कहा कि सर हमको तो लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है और हम पूजा करते हैं। लेकिन दो लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने कहा कि सर 2018 में हमने आपकी वर्कशॉप अटेंड की थी और उसके बाद से हमने एक पूजा करना शुरू कर दी। तो बड़ी खुशी हुई अंदर से कि हम नहीं उनको पहचानते थे, लेकिन वो उन्होंने कहीं पे हमारी वर्कशॉप हुई थी तो उन्होंने 2 साल पहले वर्कशॉप अटेंड की थी, और उसके अच्छा बाद से उनके अंदर वो चेंज आया कि उन्होंने पूजा करना स्टार्ट की और सर हम 2 साल से पूजा कर रहे हैं। अच्छा फिर होता है कि अचार खाते, अच्छा कभी जैसे अचार को लेकर बहुत बड़ा वो है, तो जब लड़कियों से पूछा जाता है अच्छा बताओ कि चोरी छुपे अचार खाया है कभी, तो 90% लड़कियां बताती हैं सर चोरी छुपे अचार खाया है, मम्मी को पता ना चले अचार खाया है। तो ये होता है कि अच्छा अचार खाया है, अचार खराब हुआ, नहीं सर नहीं हुआ, तुमको कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई। तो उनको समझाया जाता है कि अचार खराब होने के पीछे जो है वो कारण ही दूसरे हैं, आप गंदे हाथ से, या गंदा भी ना हो हाथ, आप यदि हाथ से अचार निकालोगे तो वो खराब हो जाएगा, गीली चम्मच से निकालोगे तो खराब हो जाएगा। तो हमने कहा पीरियड्स को लेकर जो एक है, पीरियड्स का अचार से कोई संबंध ही नहीं है। तो जब इस प्रकार से एक बिल्कुल खुशनुमा माहौल में बिल्कुल उनकी बेस पे चीजें बस समझाई जाती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, यही बस एक मेन पॉइंट होता है कि हाँ हमारे ये वर्कशॉप में थोड़ा सा एक लोगों का अट्रैक्शन रहता है, माहौल बिल्कुल चेंज ओके करके शुरू अच्छा होता है। अमित, जैसे ये आपके यहाँ पे आसपास गांव गांव होंगे, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो क्या आदिवासियों में भी इस तरह के टैबूज हैं? क्योंकि बेसिकली वो थोड़े मॉडर्न होते हैं काफी। हाँ बिल्कुल है, उनके अंदर भी है, लेकिन अब यही हो रहा है कि जो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं कि वो लोग भी पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं, पढ़ने का भी हो गया है, प्लस बहुत सारी संस्थाएं अब वहां पहुंच रही हैं, उनको चीजों को समझा रही हैं। और होता क्या है कि केवल पैड उनको दे देना से काम नहीं चलेगा, बहुत से लोग जो होते हैं जिसको होता क्या जाता है ना कि एक पेपर में आने की चाहत या इंटरव्यूज में आने की चाहत की वजह से कि केवल फोटो आ जाए पेपर में, जाकर पैड बांट दिया कि आज हमने वहां पैड बांटा, कोई फर्क नहीं पड़ना है वहां पैड बांटने का, इसलिए नहीं पड़ना है, मतलब एक बहुत वैसी बात है, 80% गांव में लेडीज जो हैं वो इनर वियर ही यूज नहीं करती हैं, तो उनको जाकर हम लोग पैड दे देंगे तो क्या मतलब रह गया। सही बात पहले तो हमें उनको पैड की इंपॉर्टेंस समझानी है कि भाई पैड इसलिए पहनी है और पैड के साथ पहले आप इनर वियर लीजिए,
अब हमने जाकर केवल उनको पैड दे दिया कि हाँ इससे तुमको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आराम रहेगा, वो यूज नहीं बिल्कुल करेंगे, उनको मालूम ही नहीं है कि है क्या ये। तो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए समय देना होता है कि 1 डेढ़ 2 घंटे उनको समझाइए, उनको बीमारियों के बारे में बताइए। क्योंकि जब उनको आप उस बीमारी पे हिट करते हैं जाकर, जैसे हम लोग भी जब वर्कशॉप लेते हैं तो उनसे कहते हैं बेटा आप लोग को कभी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आई है तो उनको आई है, क्वेश्चनिंग किया जाता है कि बेटा यदि साफ सफाई नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब साफ सफाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको कपड़ा की उस चीज पर हिट ओके करती है जाके, उस बीमारी पर या किसी चीज पर, तब उनको लगता है कि नहीं हमको ये चीज यूज करनी है। और केवल हम पैड दे देंगे उनको जाकर तो वो यूज नहीं करेंगे, उनके लिए उनको मालूम ही नहीं है कि हम करें चाहे ना करें क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अब आपके फ्यूचर प्लान्स में अभी कुछ और नई एक्टिविटीज हैं, अभी क्या सोचा है आपने? अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग जब इसको चीज को कर रहे थे तो कई कंपनीज ने हम लोग के साथ आके टाइप्स किया, और उनका यह रहा कि सर आप लोग आप वर्कशॉप लेते ही हैं, यदि लोगों लड़कियों को पैड प्रोवाइड करा देंगे सैंपल तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग ने भी किया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद कंपनीज का अपना ये होने लगा कि उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए, पैड्स की संख्या कम कर दी, तो वो दिक्कत होने लगी। तो हम लोग ने अपने खुद के सैनिटरी पैड्स लॉन्च कर दिए, हिम्मत सैनिटरी पैड्स, जो हिम्मत अभियान था, तो अब वो खुद के हम लोग के अपने सैनिटरी पैड्स आ गए हैं, हिम्मत सैनिटरी पैड्स। ओके ये अच्छा। और इसमें आप यदि कुछ विशेषता देख रही होंगी तो इसकी एक विशेषता ये है, एक तो क्या है कि उन्होंने गांव की लड़कियों के हिसाब से इसको बनाया है, तो संख्या ज्यादा रखी है पैड्स की, बिल्कुल इकोनॉमिक रेट रखा है 25 रुपए और 30 रुपए, जिसमें कि हम लोग उनको 7 पैड्स दे रहे हैं, प्लस साथ में लड़कियों का एक अट्रैक्शन की वो जो 5 दिन बाल नहीं धोती हैं, तो 5 दिन बाल नहीं धोती हैं तो उसका दिन के लिए उनके लिए एक शैम्पू इसमें रखा गया है कि जब वो बाल धोएंगी तो उनको शैम्पू मिलेगा साथ में। और इसमें एक अच्छा दूसरी बिल्कुल एक नई चीज, ये दुनिया का पहला सैनिटरी पैड है विद द फोटो ऑफ ए मेल ऑन इट। आज तक किसी सैनिटरी पैड पे आपने की मेल की फोटो नहीं मिली होगी। मैंने नोट किया। तो यही इसका टैबू तोड़ने का चीज थी कि केवल लड़कियां या महिलाएं ही सैनिटरी पैड का प्रचार क्यों कर सकती हैं, इसमें एक पुरुष उसका प्रचार क्यों नहीं कर सकता है। तो इसी उद्देश्य के साथ इस पर ये फोटो दी गई। हम लोग यहाँ पर फैशन शोज कराते हैं, तो फैशन शो में भी हम लोग का एक पैड के साथ एक वॉक होती है, वॉक विथ पैड उसको हम लोगों ने नाम दिया है, और उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि सैनिटरी पैड जो है वो काली पन्नी या अखबार में लपेट कर लेने की चीज नहीं है। काली पन्नी में हम लोग क्या नॉन वेज दिया जाता है, तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हमको छुपा कर लेकर जाना है, हमको ओपन में पैड पकड़ना है। तो हम लोग जो पैड वॉक कराते हैं उसमें लड़कियां हाथ में पैड लेकर उसको वॉक करती हैं। और फ्यूचर प्लान्स में अब यही चल रहा है कि हम लोग इस पैड को ज्यादा से ज्यादा गाँव में पहुंचा रहे हैं कि एक इकोनॉमिक रेट में लोगों को अवेलेबल हो पाए, लड़कियों को अवेलेबल हो पाए। हम लोग ने अभी पैड बैंक्स खोले हैं, 5 पैड बैंक हम लोग के खुल गए हैं जो कि स्कूल्स में हैं, लड़कियां स्कूल्स में आती ही हैं तो उनको कहीं दुकान पे नहीं जाना है, इनके स्कूल में पैड को कम रेट पर स्कूल में पैड्स अवेलेबल करा दिए ओके हैं। ये हम लोग ने अभी फेब्रवरी अच्छा हाँ उसके बाद मार्च से तो लॉकडाउन ही हो गया है, और करीब 10 स्कूल्स अभी बिल्कुल पाइपलाइन में पड़े हुए हैं जिन्होंने अपने के हम लोग को डिमांड दे रखी है कि हमारे अभी पैड बैंक खोल दीजिए। तो पैड बैंक से आसानी ये हो गई है कि लड़कियों को गांव में बहुत बड़ी दिक्कत है, दुकानें बहुत कम होती हैं। अब वो पैड लेने के लिए दुकान पर गई, वहां पर कोई लड़का खड़ा है या कुछ खड़ा है तो वो पैड मांग नहीं पाती हैं, लेकिन वो स्कूल आ ही रही हैं डेली तो उनके लिए बहुत आसान है स्कूल से पैड लेना। तो हम लोगों ने स्कूल्स में पैड्स रखवा दिए हैं। तो इस प्रकार से है कि ज्यादा से ज्यादा रूरल पे हम लोग का फोकस है कि हम लोग गांव में जितना इंटीरियर में जा। अच्छा। नहीं अमित, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, स्पेशली जिन लोगों को जागरूकता बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी ऑल द बेस्ट, आप इसी तरह से लगे रहें और नए नए, क्योंकि थैंक यू। जो आपने एक्सपीरियंस बताए और लड़कियां आपको बताती हैं, एंड स्पेशली किसी मेल के साथ ये सब बातें करना, हो सकता है कि उसमें भी उनकी एक झिझक निकलती होगी। तो बहुत ही ग्रेट वर्क है एक्चुअली। थैंक्स थैंक्स थैंक यू। चलिए, आप इसी तरह अच्छे काम करते रहिए और नए नए आइडियाज लेके आते रहिए, ठीक है? बिल्कुल ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।